मेहता साहब, आपने कहा था ना कि अभी हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो अभी तो इंतजार भी खत्म हो गया, आप क्या करें? पार्टी कैंसल। ये पार्टी कैंसल नहीं होगी। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, I love you all. आप सभी को इतना वेट करवाने के लिए I'm so sorry. और मेरा इंतजार करने के लिए आप सभी का शुक्रिया. अरे हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे. कल रात से मैं तुझे हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता था, अब जाके बोल पाया. थैंक यू सो मच पापा. और कल रात से मैं भी आपको बहुत ही मिस कर रहा था. अरे 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 जीते रहे बेटा. अरे दादाजी, दादाजी के पहले. अरे हाँ, थैंक यू दादा. हमेशा खुश रहो और खूब प्रगति करो. मम्मी. अरे बेटा. अच्छा बेटा, कहाँ रह गया था तू? हाँ टिप्पू दिक्का, सब लोग कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं. हाँ हाँ, मैं बताता हूँ आपको, सबको बताता हूँ. भिड़े अंकल, सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ. वो आपको पूछे बगैर मैंने ये सारा आयोजन किया, इसलिए अब गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा, मतलब पहले गुस्सा था मैं, लेकिन तुम्हारे बर्थडे की खुशी में मैं गुस्सा भूल गया. पप्पू जी, थैंक यू सो मच भिड़े अंकल. अरे बेटा बता तो सही, आने में तुझे इतनी देर क्यों हो गई? हाँ टप्पू जी का. हाँ टप्पू, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से हम तेरा वेट कर रहे हैं. हाँ, ऐसे कौन से काम में फंस गया था टप्पू? मैं जानता हूँ अब सब लोग कब से मेरा इंतजार कर रहे हो. आई एम सो सॉरी कि आपको मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा. मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे ना कि टप्पू की बर्थडे पार्टी है, टप्पू ने सारी अरेंजमेंट्स की, टप्पू ने सबको बुलाया और टप्पू ही नहीं आया. तो सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज सिर्फ टप्पू की बर्थडे पार्टी नहीं है. सिर्फ तुम्हारा बर्थडे नहीं है तो और किसका बर्थडे है आज? आज टप्पू की बर्थडे की पार्टी के साथ साथ राजू की बर्थडे पार्टी भी है. ये राजू कौन है? दया? नहीं पता. भैया राजू कौन है? ओ यार हाँ, टप्पू सेना में कभी राजू को तो नहीं देखा. अभी टप्पू ही बताएगा तो पता चलेगा. दस भी टप्पू. तो आप सभी के चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है कि आपके मन में एक ही सवाल है कि ये राजू कौन है. हाँ हाँ बेटा, राजू मेरी कॉलेज के बाहर आती जाती गाड़ियों को कपड़ा मारता है. आज सुबह जैसे मैं कॉलेज पहुंचा, कॉलेज के गेट के पास सभी फ्रेंड्स ने मुझे रोक लिया. सबने मुझे विश किया, सब मुझे चॉकलेट्स देने लगे, गिफ्ट देने लगे. और तभी मेरी नजर राजू पर पड़ी.
वो एक गाड़ी को कपड़ा मारते हुए मुझे देख रहा था। अच्छा मैं एक मिनट में आता हूँ, ठीक है? ओके। अरे सुन 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 सुन, क्या नाम है तेरा? राजू। ये खाएगा? नहीं। अरे शर्मा क्यों रहा है, ये ले खा, आज मेरा बर्थडे, ये ले तू भी मजे कर। नहीं। अरे खाना ही तेरे लिए, खा। अरे रे राजू आराम से खा ना, इतनी जल्दी क्यों खा रहा है, आराम से खा। और चॉकलेट खाते वक्त राजू के चेहरे पे जो खुशी थी ना, ऐसी खुशी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। वो चॉकलेट ऐसे खा रहा था जैसे जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वैसे आपका नाम क्या है भैया? वैसे तो मेरा नाम टिपेंद्र है, पर प्यार से लोग मुझे टप्पू कहते हैं। टप्पू मस्त नाम है। थैंक यू। टप्पू भैया आपने ये चॉकलेट दुकान में बहुत बार देखा है, लेकिन पैसे नहीं था ना इसलिए खाने को नहीं मिला। आपको ये चॉकलेट आपके दोस्तों ने दिए ना? हाँ मेरे दोस्तों ने दी, क्योंकि आज मेरा बर्थडे ना इसलिए। बर्थडे? बर्थडे क्या होता है? बर्थडे मतलब जन्मदिन। जन्मदिन में क्या होता है? पार्टी होती है। पार्टी मतलब? पार्टी मतलब खाना पीना नाचना गाना खूब सारी मस्ती करना। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आता होगा ना? हाँ बहुत ही मजा आता है। अच्छा बता तेरा जन्मदिन कब है? कभी तो होगा लेकिन आप उनको पता नहीं है। अरे पता नहीं मतलब? तेरे मम्मी पापा ने बताया नहीं तुझे? आप उनके माँ बाप होते तब बताते ना। आप उन्हें जब से होश संभाला तब से अकेला ही है। अच्छा तू रहता किधर है? यही अपने फुटपाथ पे, दिन को गाड़ी को फटका लगाता है और रात को सो जाता है। राजू के साथ बात करते मैंने पार्टी करने का सोच लिया था। राजू तुझे पता नहीं ना कि जन्मदिन क्या होता है, कैसे मनाते है? नहीं। तो चल आज मैं तुझे बताता हूँ कि जन्मदिन कैसे मनाते हैं। और मैंने सोचा कि आज मेरा बर्थडे है तो मेरे पापा मुझे पार्टी देंगे, मम्मी अच्छे से अच्छा खाना बनाएगी और सारे सोसाइटी वाले मुझे विश करेंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझे गिफ्ट देंगे और मैं हर साल अपना बर्थडे ऐसे एंजॉय करता हूँ। पर मेरे सामने राजू था जिसे पता ही नहीं कि बर्थडे क्या होता है और ना ही उसे कभी अपने माँ बाप का प्यार मिला है। और दादाजी ने मुझे सिखाया है कि जन्मदिन तो खुशियां बांटने के लिए होता है। और तब भी मैंने डिसाइड कर लिया मैं मेरे साथ राजू का भी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा और उसे वो सारी खुशियां दूंगा जो उसने कभी महसूस नहीं की। वाह टप्पू बेटा वाह, शाबाश। अपना टप्पू खरे खर कितना समझदार हो गया है। अरे, टप्पू के पापा। अरे एकदम वाह वाह टप्पू बेटा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी पर गर्व है। टप्पू सच नाइस जेस्चर। वैसे टप्पू तुझे इतनी देर कैसे लग गई? बताता हूँ सुनो, सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अब्दुल भाई को फोन करके पूरी पार्टी के अरेंजमेंट की। देव तेरा एक मिनट फोन देना, कॉल करना है। राजू एक मिनट। हेलो हेलो अब्दुल भाई। टप्पू, अरे टप्पू विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ना आपसे एक जरूरी काम था। अरे टप्पू आज तेरा बर्थडे है, तू जो बोलेगा अब्दुल मियां तेरे लिए करेगा, बोल। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई। आज ना मुझे सोसाइटी कंपाउंड में अपने बर्थडे की एकदम शानदार पार्टी करनी है, तो अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। सब हो जाएगा। आज तेरे बर्थडे पार्टी ऐसी होगी कि आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई। अच्छा मैं आपको शाम को मिलता हूँ। हाँ हाँ जरूर, बाय बाय।
So, ladies and gentlemen, इससे मिलिए, ये है राजू। आजा राजू, इधर आजा। आओ बेटा। अरे राजू आना। आजा राजू। आजा आजा। रुको मैं लेकर आता हूँ। हाँ हाँ। चल। अच्छा एक मिनट। राजू, ये है अपने बर्थडे की तैयारी, कैसी लगी? Three cheers for Dappu! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Wow, wow, बेटा Dappu, दिल खुश कर दिया तूने तो आज। पापू जी। बेटा Dappu, तुम्हारे इस नेक काम के बारे में मैं तूफान एक्सप्रेस में जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। हाँ, लिखना ही चाहिए। थैंक यू पटकनल। मस्त आइडिया है। राजू, तो इनसे मिलो। ये मेरे दादाजी, पापा और मम्मी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। और ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स और ये मेरे सोसाइटी के फ्रेंड। नमस्ते। अपन को यहाँ आके जितनी खुशी हुई है ना, अपन आपको बता नहीं सकता। थैंक यू Dappu भैया। वेलकम। और राजू बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुशियाँ बताने के लिए नहीं, मनाने के लिए होती है। तो फिर खुशियां मनाना शुरू करें, पार्टी शुरू करें। एक मिनट, Dappu कुछ कहना चाह रहा है। पार्टी शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब क्या बताना है Dappu? वो भीड़ अंकल, राजू का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान हमने कॉलेज में शेयर कर लिया था और हम सभी लोग ने डिसाइड किया था, इसलिए ये पार्टी का खर्चा तो हम ही देंगे। यस अंकल, ये पार्टी हम सबकी ओर से है। नहीं 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 बच्चों, आप लोग क्यों देंगे? पार्टी का पूरा खर्चा मैं दूंगा। नहीं नहीं जेठालाल, नहीं, ये पार्टी गोकुलम सोसाइटी में हो रही है और अब ये प्राइवेट पार्टी नहीं रही, क्योंकि उसपे राजू का बर्थडे भी शामिल है। इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक में उससे कर रही है घोषणा करता हूँ कि आज की पार्टी का पूरा खर्चा गोकुलम सोसाइटी करेगी। नहीं नहीं भिड़े अंकल, प्लीज प्लीज, ये पूरा खर्चा हम लोग ही देंगे। अरे नहीं नहीं, बोला ना बेटा कि हम लोग पार्टी का खर्चा कौन देगा ये बाद में डिसाइड करते हैं ना, पहले पार्टी तो करते हैं। सही बात है, चलिए पहले केक काट के शुरुआत करते हैं। इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक में उससे कर रही है घोषणा करता हूँ कि आज की पार्टी का पूरा खर्चा गोकुलम सोसाइटी करेगी। नहीं नहीं भिड़े अंकल, प्लीज प्लीज, ये पूरा खर्चा हम लोग ही देंगे। अरे नहीं नहीं, अरे बोला ना बेटा कि हम लोग पार्टी का खर्चा कौन देगा ये बाद में डिसाइड करते हैं ना, पहले पार्टी तो करते हैं। सही बात है, चलिए पहले केक काट के शुरुआत करते हैं।
क्या बात है, वाह वाह, ताली वाह, आप लोग ताली करते हैं, रोल बहुत बार करना पड़ता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो राजू मजा आया ना? हाँ। तुझे पता नहीं था ना कि तेरा बर्थडे कब है? तो आज से हर साल इसी दिन पर तेरा बर्थडे मनाया जाएगा, और वो भी इसी तरह। थैंक यू टप्पू भैया। अरे वाह, क्या बात है, अरे नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल राजू बेटा, हम सब मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। थैंक यू टप्पू भैया। अरे आप उनका तो ये सब सपने जैसा लग रहा है। नहीं राजू, ये सपना नहीं हकीकत है। हम भी क्या? और आगे से सबको तेरे साथ अच्छा ही होगा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। राजू ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। अरे राजू हाथ में क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं। अरे बता ना क्या छुपा रहा है हाथ में? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? वो टप्पू भैया, आपुन भी आपको आपके बर्थडे का एक तोहफा देना चाहता है। अरे अरे तू दे ना। अरे वाह राजू वाह, ये तो मेरी फेवरेट पेपरमिंट है। वाह बहुत ही मजेदार चॉकलेट है, थैंक यू। मित्रों पिछले दिनों हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो बेघर हैं, सड़कों पर रहते हैं, जिन्हें माँ बाप के प्यार का साया कभी नसीब ही नहीं हुआ। उन बच्चों को पता ही नहीं कि बर्थडे होता क्या है, जन्मदिन कैसे मनाया जाता है, जन्मदिन की पार्टी कैसे होती है। और ऐसे एक बच्चे राजू की बर्थडे पार्टी मना के, जन्मदिन मना के टप्पू ने एक मिसाल कायम की। मित्र मैं तो कहता हूँ हम में से हर परिवार अगर साल में सिर्फ एक ऐसे बच्चे का जन्मदिन मनाए तो उससे बेहतर बात क्या हो सकती है। हम किसी के चेहरे पर तबस्सुम दे सकते हैं। जिंदगी में बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बांटने से बेहतर पुण्य का काम कोई नहीं होता। आइए ये बीड़ा उठाएं कि हम भी ऐसा करें। यहाँ टप्पू की बर्थडे पार्टी अभी जारी है और यहाँ कितने हंगामे होते हैं जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। टप्पू भैया बहुत मजा आया, इतना मजा शायद आपको कभी भी नहीं आया। आप सब लोगों ने आपका बर्थडे बनाया, आप उनको इतना प्यार दिया, उसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टप्पू भैया अब आप चलता है। कहाँ? वही अपना फुटपाथ पे। नहीं नहीं तू फिर से वहां नहीं जाएगा। अपन तो वहां ही रहते हैं, वहां नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? वो हमको सोचेंगे, पर तू वहां फिर से नहीं जाएगा।